Hey guys, welcome back to the Prep Lab YouTube channel. So this is Ayushman, co-founder of Prep Lab. और मैं आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ एंड इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड एज वेल सिंस वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर IBA कराची प्रिपरेशन एज वेल. तो 2020 और 2021 के राउंड चेक करते हुए मेरे लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस दे आर स्टडिंग इन एनी इंस्टीट्यूट और वेयर एवर दे आर स्टडिंग, वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या इंडिविजुअली तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे मस्ट नो दैट कि एग्जैक्टली IBA कराची 2020 और 2021 से क्या पूछ रहा है. ठीक है, सो दिस इज द लाइक टाइटल सेड दैट IBA कराची न्यू पैटर्न 2021. सो लेट्स मूव टू द स्लाइड एंड आई विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम लाइक IBA कराची के अगर आप पास पेपर्स देखेंगे फ्रॉम 2013 से लेके 2021 तक, IBA कराची ने 2018 से बाद IBA कराची ने अपना पास पेपर अपलोड नहीं किया. ठीक है, तो आपसे मैं अगर कहूँ कि 2009 से 2013 तक अगर IBA कराची के जो पास पेपर्स हैं जो स्कैन कॉपी में आपके पास अवेलेबल हैं IBA कराची की वेबसाइट पर आप जाओगे, ठीक है, तो यार देखें IBA कराची में 2009 से लेके 2013 बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो रिपीट होते थे 2009 से 2013. ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. ठीक है, फिर IBA कराची ने 2013 से लेके 2013 तक ये जो पैटर्न था दैट वाज मोर रिलेटेड टू द SAT. ठीक है, SAT ओल्ड आ जाता है आपका इसके अंदर एंड न्यू SAT आ जाता है, तो ऑनवर्ड्स 2016. ठीक है, तो यहाँ 2013 से लेके 2019 तक अगर आप IBA कराची के पास पेपर्स चेक करें तो मोर हाउ IBA वाज मोर रिलेटेड टू द SAT पैटर्न. उसके अलावा इसमें IBA कुछ अपने क्वेश्चन भी डिजाइन करता था, तो IBA कराची का यहां तक भी आपको पैटर्न अगर देखा जाए तो दैट वाज फिक्स, लाइक मतलब दैट वाज बेस्ट ऑन SAT. अगर आप SAT बेस्ट तैयारी कर रहे थे तो दैट वाज गुड, मतलब आप अच्छे मार्क्स ले सकते थे. ठीक है, बट भाई अब सीन हो गया ये कि 2019 से लेके, बट आई वुड से दैट 2019 तो इंक्लूड हो गया, 2020 से लेके 2021, बिकॉज 2020 राउंड वन हुआ था, राउंड टू आपका हुआ नहीं था, एंड 2021 राउंड वन IBA कराची हैज कम्प्लीटली चेंज इट्स पैटर्न. IBA कराची इज नॉट फॉलोइंग इट्स फिक्स पैटर्न. IBA कराची इज नॉट फॉलोइंग एन SAT पैटर्न. IBA कराची इज फॉलोइंग पैटर्न ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, मोर हाउ बिजनेस मैथमेटिक्स. देखिए अगर इस 2013 से लेके जाए तो आपका मेजर चंक होता था अलजेब्रा. ठीक है, अलजेब्रा में आपकी पॉलीनोमियल चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारी चीजें आ गई, फंक्शन, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीन टॉपिक, मतलब इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, ये थ्री टॉपिक 40% to 50% ओवरऑल टेस्ट कंटेन करते थे. ठीक है, तो उसके अलावा इंटीजर्स भी आपके इंपॉर्टेंट होते थे, बट इंटीजर्स के अंदर इतने कुछ नहीं आते जितने IBA ने अभी दिए. बट अभी अगर 2020 से लेके 2021 तक जो IBA कराची ने पैटर्न फॉलो किया दैट वाज मोर रिलेटेड टू द बिजनेस मैथमेटिक्स, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी. अगर 2020 और 2021 का पास पेपर्स आप जिस स्टूडेंट ने दिए होंगे उनको ये आइडिया होगा कि IBA कराची ने काफी पैटर्न अपना चेंज कर लिया और आपके जो क्वेश्चन ज्यादातर थे वो नंबर सिस्टम पे थे. ठीक है, नंबर सिस्टम इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज टॉपिक. ठीक है, नंबर सिस्टम में आपकी डिवीजन आ जाती है, नंबर सिस्टम में आपका बोर्ड मास रूल आ जाता है, आपका ऑड इवन आ जाता है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव को किस तरह से आइडेंटिफाई करें ये आ जाता है, आपकी यूनिट डिजिट किस तरह से फाइंड करना ये आ जाता है, आपकी सीरीज फाइंड करना ये थे, मतलब इटसेल्फ इट्स अ बिगेस्ट टॉपिक. अगर मैं अगर 2020 और 2021 के पैटर्न के हिसाब के अगर आप राउंड टू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस करना है. वेयर एवर फ्रॉम यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ
नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत आएंगे, और अगर 2020 से लेके 2021 तक आई बी कराची ने ये फॉलो किया तो मोर हाउ दे विल फॉलो द सेम रूल, ठीक है ना। सो देर इज वन वेबसाइट indiabigs.com, ठीक है, इंडिया डिग बॉक्स फॉर्म से आई बी ने 17 क्वेश्चन कॉपी किए थे 2021 में, ठीक है। सो यू गाइस नीड टू चेक इट दिस वेबसाइट की व्हाट एग्जैक्टली दिस वेबसाइट इज, एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू दिस पैटर्न एंड बिटवीन दिस पैटर्न, ठीक है। सो इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप इस प्रिपरेशन ये ना करें, इसको इग्नोर करें, नो, बिकॉज द यू नो व्हाट आई वुड से दैट कि आईबीए कराची का, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो एनी फिक्स्ड पैटर्न ओवर देयर, दे कैन आस्क एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है ना। सो व्हाटएवर दे हैव टेस्टेड फ्रॉम 2009 अंटिल 2021, यू हैव टू बी रेडी इन दैट पर्सपेक्टिव, आपको हर पर्सपेक्टिव में रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है ना। यू नेवर नो कि 2021 में राउंड टू में बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर लें, क्या पता वो, बट सिंस दे आर फॉलोइंग सम पैटर्न, बिकॉज आप उनका पैटर्न चलता आ रहा है 2009 से 13, 2013 से 19, फिर 2020 से 2021, सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम दैट दिस इज मोर हाउ रिलेटेड टू 2020 2021 वाला ही रूल फॉलो होगा। तो इट इज कस्टमरी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। SAT फॉलो करें, SAT में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड भी होते हैं, तो उसको फॉलो करें। बट जब आप indiabigs.com वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप एवरेज के क्वेश्चन करोगे, आप पाइपलाइन पे करोगे, या वर्क प्रॉब्लम करोगे, या परसेंटेज करोगे, तो यू विल गेट ए डिफरेंस कि आप जो SAT बेस्ड करते हो और indiabigs.com पे आप जो क्वेश्चन फाइंड करोगे बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसी वेबसाइट के आपको उसी टाइप के क्वेश्चन, नेट से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसी टाइप का अगर कोई आपको बुकलेट भी सेल आउट करा, एनीथिंग दे आर सेलिंग, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आ रही है तो ये, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेसिफिक परसेंटेज वाइज टॉपिक जो बनाऊंगा कि आपको किस परसेंटेज की, मतलब नंबर सिस्टम पे कितना परसेंटेज हो सकता है, एलजेब्रा पे कितना हो सकता है, आपका वर्क प्रॉब्लम पे कितना हो सकता है, आपको एक्सपोनेंट सोर्स पे कितना होगा, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो फॉर दैट राइट नाउ स्टे ट्यून्ड विद प्रेप लैब चैनल, और प्लीज़ मेक श्योर करें कि इसके अंदर हमने एक 100 मैथ क्वेश्चन चैलेंज भी रखा है, जिसमें बच्चों को जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई सेल्फ कर रहे, तो आई वुड रिकमेंड कि वो इन वीडियो को देखें, उनको एक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और फॉर दैट राइट नाउ दिस इज द पैटर्न, सो इट इज़ नेसेसरी एंड